हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। और इसमें हम लोग यूनिट 4 का आज टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। पहले डेफिनेशन देखेंगे उसकी, फिर उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। इफ G and G dash be two groups, then F map G to G dash is homomorphism। आपको पता है होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन होती है, दो ग्रुप हो और ये हो, इज होमोमॉर्फिज्म, विच इज 1:1 एंड ऑन टू। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है और उसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, 1:1 और ऑन टू, तो फिर वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। विच इज 1:1 एंड ऑन टू इज एन आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज एन आइसोमॉर्फिज्म इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। मतलब कि अगर बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि उसमें 1:1 और ऑन टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1:1 कंडीशन क्या होती है कि अगर एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, ठीक है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, अगर हर डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही रेंज होनी चाहिए, ना ही इसमें डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जिस एलिमेंट की रेंज को डोमेन में ना हो, या फिर ठीक है, तो आप समझ गए। अब इसके बाद ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि ये डोमेन है और कोडोमेन, या ये डोमेन है और ये रेंज है, तो या फिर ये बोल लो ये इमेज है और ये प्री इमेज है, ठीक है। तो इमेज का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो मतलब 1:1 ऑन टू की कंडीशन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। और इसमें मतलब क्या हुआ, ना ही प्री इमेज में कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जिसकी इमेज इसमें ना हो एलिमेंट की, और ना ही कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो दोनों में ही एलिमेंट में हो, मतलब रिलेशन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए दोनों के बीच। और दूसरी बात ये कि होमोमॉर्फिज्म, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1:1 ऑन टू। तो हमें आइसोमॉर्फिज्म का अगर एग्जाम्पल करके दिखाना होगा तो उसमें तीन चीजें हमको प्रूफ करनी पड़ेंगी, 1:1 की कंडीशन, ऑन टू की कंडीशन और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब कि वो आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है इफ आर बी द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है, ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है। अंडर एडिशन लेट आर प्लस, ऊपर देखिए प्लस दिया हुआ है, बी द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे हमने यहां पे ग्रुप लिया था ना, जी और जी डैश दो अलग ग्रुप थे, तो यहां पे हमने ले लिया आर और आर प्लस। तो यहां पे जो फंक्शन लगा तो मैप कैसे हुआ, आर टू आर प्लस, ठीक है। बी डिफाइंड फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन में, इस फंक्शन को लेके चलना है 1:1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये हमारा जो एफ है वो हमारा क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। देन शो दैट एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1:1 के लिए कंडीशन हमारी होती है, सबसे पहले हमने लिखा एफ ए इज इक्वल टू एफ वी। अब अगर आप यहां पे x की जगह पे a ले लोगे तो fa क्या आ जाएगा, e की पावर a, fb क्या आ जाएगा, e की पावर b। तो यहां पे हमने लिख दिया सो दैट e की पावर a इज इक्वल टू e की पावर b, देन बेस दोनों के सेम है देखिए, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b, दस f इज 1:1, ठीक है। अब देखिए इफ c बिलोंग टू
आर प्लस। सी आर प्लस क्या था, आर प्लस बी द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है सी, ठीक है, सी बिलोंग टू आर प्लस। देन लॉग सी, ये हमने अपने आप लिया है, लॉग सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हमने लिया लॉग सी बिलोंग टू आर। अच्छा, लॉग को हम बोलते हैं आई एन, यहां पे हमने लॉग इसलिए लिख दिया है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, यहां पे आप आई एन सी लिखोगे तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप जितने क्या कहते हैं बी एस सी एम एस सी बी सी ए एम सी ए इन सब में लॉग की जगह पे क्या यूज किया जाता है, आई एन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि लॉग सी बिलोंग्स टू आर ले लिया, ठीक है। अब लॉग सी को हमने एक्स ले लिया, अब अगर हम एफ लॉग सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग सी, तो देखिए एफ लॉग सी ई की पावर लॉग सी, आपको पता है ई की पावर में अगर लॉग लिखा हो तो केवल उसके साथ जो नंबर होता है केवल वो नंबर लिख दिया जाता है, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया तो बचा हमारा सी, तो हमें फंक्शन लॉग सी की वैल्यू मिल गई सी। अब इससे क्या मिला, अब आप ध्यान से देखो, सी एलिमेंट किसका था, आर प्लस का था, ठीक है, लॉग सी किसका था, आर का था, तो जब हमने लॉग सी पे फंक्शन लगाया, लॉग सी पे फंक्शन लगाया तो हमें आर प्लस का एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब सी मिलना चाहिए, तो देखिए हमें इक्वल टू सी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये यहां से हमारा प्रूफ हो रहा है कि एफ क्या है, ऑन टू है। दस ईच एलिमेंट ऑफ आर प्लस इज द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, हेंस एफ इज ऑन टू। अब हमें वन वन प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया, अब हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, अगर आपको ध्यान होगा कि लेफ्ट हैंड पे जो ऑपरेशन होता है वो राइट हैंड पे ऑपरेशन नहीं होता, दो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। हम यहाँ पे आपको लिख के भी बता देते हैं कि क्या हमने बताया था, वो हम आपको पहले बता देते हैं, एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए, और यहां पे ये दूसरा ऑपरेशन है एफ बी, मतलब ये भी एक ऑपरेशन है और ये भी एक ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने एफ ए प्लस बी लिया, अब यहां देखिए एक्स की जगह पे अगर आप ए प्लस बी लोगे तो ई की पावर ए प्लस बी आ जाएगा, वही लिखा हुआ है, इसको आप ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ई की पावर ए, e की पावर a यहां में निकाला था ना, एफ ए को हम e की पावर a लिख सकते हैं, एफ ए, e की पावर b को एफ बी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो कि ये हमें कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे o ऑपरेशन है, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन है, दो अलग अलग ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमारा प्लस का ऑपरेशन है, यहाँ पे हमारा इंटू का ऑपरेशन है, तो मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई, वन वन की, ऑन टू की और होमोमॉर्फिज्म की, इसलिए हम बोल सकते हैं ये दैट इज एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में होमोमॉर्फिज्म के एक दो चीजें और बची हुई हैं वो बता देंगे, उसके बाद फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे इसी यूनिट का, और मेरे ख्याल से आफ्टर वन वीक ये आपकी यूनिट फोर फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।